Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज की वीडियो में हम देखेंगे अमेनोरिया. Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Also, do check out my book Parasitology Notes, which is available on Amazon. जाइए जरूर देखिए, उसका सैंपल वर्जन डाउनलोड कीजिए और मुझे बताइए आपको बुक कैसी लगी. अगर आपको ये वर्थ इट लगती है तो ज़रूर उसे खरीदें, उसे पढ़ें और अपने जूनियर्स और कलीग्स को रेकमेंड ज़रूर कीजिए. सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक अमेनोरिया. डेफिनेशन, अमेनोरिया इज लिटरली मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसेस, नो मेंसेस. अमेनोरिया लिटरली मीन्स नो मेंसेस एंड इट ये एक सिम्टम है, ना कि कोई डिजीज है. और ये सिम्टम हमें बहुत सारे गायनेक और ऑब्स्टेट्रिक्स के केसेस में दिखाई देता है. नेक्स्ट इज द फाइव बेसिक फैक्टर्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर द ऑनसेट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द नॉर्मल मेंसेस. तो ऐसे पांच कौन से फैक्टर्स है. पहला है नॉर्मल फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न. नॉर्मल फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न जब होता है तो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जो कि नेसेसरी है प्रॉपर प्रॉपर मेंसेस के लिए. नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेटेड हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस. हमारे कुछ ऑर्गन्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में. जैसा है फर्स्ट हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देन लास्टली द ओवरीज एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इनमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और उसके बाद ही नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हमें दिख सकती है. सो तो इन तीनों ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज द एनाटॉमिकल प्रेजेंस एंड पेटेंसी ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक. यानी कि नॉर्मली जो जहाँ पर जो पोजीशन ऑर्गन्स की है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो है, वो प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए. सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि देयर शुड बी अ पेटेंसी इन द आउटफ्लो ट्रैक. अगर ट्रैक ही ब्लॉक हो गया है जहाँ से फीमेल मेंसेस होने वाले हैं, जहाँ से ब्लड फ्लो होने वाला है, अगर वही ब्लॉक रहा तो इट मे लीड टू क्रिप्टोमेनोरिया. हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिप्टोमेनोरिया भी देखेंगे. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम शुड बी रिस्पॉन्सिव ताकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अकर हो. नेक्स्ट इज द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द थायरॉयड एंड द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल और थायरॉयड ग्लैंड प्रॉपर होनी चाहिए. अगर थायरॉयड में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फर्स्ट सिम्टम इज अमेनोरिया. जब भी कोई अमेनोरिया का पेशेंट आता है तो आप उसे ज़रूर उसका थायरॉयड फंक्शन टेस्ट कराए, TSH, T3, T4 ज़रूर करवाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमेनोरिया. फर्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया जो कि नॉर्मल होता है. फर्स्ट प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया में पहला आ गया प्राइमरी अमेनोरिया जो कि है बिफोर प्यूबर्टी. नेक्स्ट तो इसे हम डिलेड प्यूबर्टी नहीं कहते, उसे हम अमेनोरिया कहते हैं. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी अमेनोरिया व्हिच इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फॉलोइंग मेनोपॉज. नेक्स्ट इज द पैथोलॉजिकल अमेनोरिया. नाउ इसमें दो टाइप्स है कंसील्ड. सो पहला है कंसील्ड, उसमें है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड. एंड नेक्स्ट इज द रियल व्हिच इज प्राइमरी अमेनोरिया एंड सेकेंडरी अमेनोरिया. अब ये जो प्राइमरी अमेनोरिया है और सेकेंडरी अमेनोरिया जो कि पैथोलॉजिकल अमेनोरिया में आता है, इसका हम एक डिटेल वीडियो देखेंगे सेपरेट, प्राइमरी अमेनोरिया का सेपरेट और सेकेंडरी अमेनोरिया का सेपरेट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो अ क्विक रिविजन. आज हमने क्या देखा, अमेनोरिया देखा, उसकी डेफिनेशन विच इज लिटरली मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. वो जो फाइव फैक्टर्स नेसेसरी है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए वो देखे. फिर हमने इसके टाइप्स देखे फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया एंड पैथोलॉजिकल. तो इसमें पैथोलॉजिकल अमेनोरिया में जो प्राइमरी अमेनोरिया है और सेकेंडरी अमेनोरिया, ये हम डिटेल में आने वाली वीडियोज में देखेंगे. सो thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel The Learning Medico. Also do check out my book Parasitology Notes. Thank you.